हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बन रहे हैं, क्या हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं और क्या हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए ट्रेड अपना एक्सपायरी डे के लिए। कल एक्सपायरी डे है तो उसके लिए भी हमें सारी चीज़ें हम प्लान करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कल क्या होने वाला है उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या ट्रेड्स बने थे हमारे। सबसे पहले देखो, ये वाला एक ट्रेड था हमारा आज का सुपर ट्रेड जिसको आप बोल सकते हो, ये वाला राइट, बैंक निफ्टी का। इसके बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी जो है हमारे, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, होल्ड करता है तो देखो मार्केट ने डिट्टो वही किया था और पूरा टारगेट दिया था। ये वाला ट्रेड तो आप सबने कैप्चर किया होगा जिन्होंने भी कल मेरी एनालिसिस वीडियो देखी थी राइट। और बाकी एक ये वाला ट्रेड बना था इस तरीके से, एक कप एंड हैंडल का सेटअप यहाँ पे बहुत अच्छा सा बनता हुआ दिखा था, ब्रेकआउट भी मिला था राइट, मार्केट जाके फंस गया था। मैंने आपको ना इस कैंडल पे, सेकेंड कैंडल जब बन रही थी ना यहाँ पे ही मैंने आपको बता दिया था, जब कैंडल रनिंग कैंडल पे ही, कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स लॉक कर लो। जिन्होंने भी बात मान ली होगी बहुत अच्छी बात है, मार्केट फिर उसके बाद पूरा कंसोलिड हो गया और नीचे आ गया। यहाँ पे फालतू का काफी लोगों का लॉस हो गया होगा, अगर आपने मेरी बात मानी होगी प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा इस वाले ट्रेड में। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया था, ये वाला एक स्कैल्पिंग ट्रेड बोल सकते हो, 100 पॉइंट्स का मैंने टारगेट कैप्चर किया था, काफी अच्छा सा यहाँ पे एक बना था तो इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने लिया था। बैंक निफ्टी का ये तीन ट्रेड जो है मैंने आज कैप्चर किया था। एंड उसके बाद अगर बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बने थे, तो देखो निफ्टी में एक हमारा इस तरीके से एक सेटअप बना था कप एंड हैंडल का, जो आप सबने आई होप कैप्चर किया होगा यहाँ पे राइट। बट इस लेवल की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन और प्रॉब्लम हुई होगी, जो भी आप लोगों ने मैनेज कर लिया होगा। इसमें मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, रीजन क्या था इस ट्रेड का, मैंने आपको सबको बताया था इस पॉइंट पे कि कॉल की पोजीशन नहीं लेना है राइट। और मुझे पता था यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा और ट्रैप कर भी रहा था, तो यहाँ पे मैंने आप सबको मना कर दिया था कि कॉल की पोजीशन मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मार्केट जब यहाँ पे था तभी मैंने बोल दिया था, प्लान कर रहा था मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन के लिए, मुझे पता था यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट राइट, क्योंकि इस तरीके का ये लेवल है जहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा ही करेगा। यहाँ पे इसलिए मैंने एक रिवर्सल ट्रेड, ट्रैप ट्रेड का एक सेटअप यूज करके मैंने यहाँ पे जो भी जो पुट की पोजीशन ली थी जिसमें 50 पॉइंट्स का टारगेट कैप्चर हुआ था। टारगेट मेरा वैसे यहाँ तक का था, बट एनीवेज यहाँ तक का ही 50 पॉइंट्स का टारगेट और काफ़ी अच्छे खासे लॉट्स के साथ कैप्चर हो गया था प्रॉफिट। ये सारे ट्रेड्स बने थे आज, ये सारे ट्रेड्स हमने आज कैप्चर किए होंगे। आपने क्या कैप्चर किया, कितना प्रॉफिट किया, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना राइट। अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या सेटअप बन रहे हैं। देखो सबसे पहले तो लेवल्स मैंने ये फ्रेश अपडेट कर लिए हैं कल के लिए, लेवल्स ये सारे हमें कल फॉलो करने हैं राइट। पहले तो टाइम चेंज कर लेते हैं, हमारा टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट्स का ही रहेगा जिसपे हम ट्रेड करेंगे। देखो कल निफ्टी जो है बुलिश रह सकता है, ठीक है, कल निफ्टी जो है बुलिश रह सकता है बहुत अच्छा सा, अगर गैप अप ओपन हो जाए सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बट यस कल मार्केट बुलिश रह सकता है। बहुत अच्छा रहेगा अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें करना क्या है, देखो आप लेवल्स देख लो ये राइट, लेवल्स हमारा जो अपने लेवल्स हैं वो निफ्टी का क्या है। देखो अगर निफ्टी हमारा जो ये लेवल है विच इज 18,348, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है निफ्टी, कैंडल क्लोज होती है रीटेस्ट पे, आप यहां पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो इस पॉइंट तक के लिए, और ये लेवल आपका 18,400 का राउंड नंबर यहां पे इसको मान सकते हो, 18,397 का। ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, इसके आगे और मार्केट ऊपर जा सकता है बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं कल नॉर्मल ट्रेड के लिए, जो कि 50 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। ये कल के लिए प्लान रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दे कॉल की पोजीशन लोगे, जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज, और यहाँ तक का टारगेट अगर मान लो गैप अप हो जाता है इन केस राइट, इस लेवल की अगर ऊपर ओपनिंग होती है तो मार्केट क्या कर सकता है, मैं आपको वो ही बताता हूँ। हो सकता है मार्केट कहीं यहाँ पे अगर ओपन हो तो आप क्या करोगे, देखोगे अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन लोगे, यहाँ तक का टारगेट कैप्चर करोगे ठीक है। बट अगर मान लो इस लेवल अगर होल्ड करता है और इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है, अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है राइट, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और नीचे ब्रेकआउट मिल जाता है इस लेवल का, तो यहाँ पे आप पुट की पोजीशन अवॉइड करना, रीजन ये कि कहीं से भी वापस आ सकता है और ये छोटा सा टारगेट है 25 पॉइंट्स का वैसे भी, तो यहाँ पे क्या ही हम ट्रेड लेंगे, छोड़ देंगे। हो सकता है मार्केट क्या करे, वापस ऊपर आ जाए इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप इस केस में जो डे हाई है अगर, तो वहाँ पे आप देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, वहाँ पे आप मैनेज कर लेना। इस तरीके से एक यू टर्न लेके मार्केट आ सकता है, गैप अप वो नहीं होगी, नीचे आ सकता है और फिर इस तरीके से ऊपर आएगा वापस, तो जब ऊपर आएगा वापस ब्रेक करेगा इस लेवल को, आप इस लेवल पे रीटेस्ट पे कॉल की पोजीशन लोगे, यहाँ तक का टारगेट अगेन। ये लेवल्स आप देख लो कौन से लेवल्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, ये लेवल्स जो है अपने ये लेवल जो है, ये वाला लेवल है 18,348 और ये लेवल है 18,397, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप यहाँ पे फॉलो करोगे।
सो ये वाला ट्रेड बन रहा है एक निफ्टी का, ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, सबसे बेस्ट कल का आप सुपर ट्रेड बोल सकते हो ये वाला है। अगर इन केस मार्केट नीचे ब्रेक जो ट्रेड जो है देता है, अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और इस लेवल के अगर नीचे ब्रेकआउट मिल जाता है, हमारा जो ये लेवल है विच इज 18,293, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज पुट की पोजीशन लोगे और इस लेवल तक का आप आराम से टारगेट कैप्चर करोगे। और ये लेवल है 18,248 का, सो यहाँ पे भी आपका 50 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है, इंजॉय कर सकते हो। तो ये दो ट्रेड है कल के लिए बेस्ट ट्रेड बनेंगे हमारे लिए। इसके नीचे ब्रेकआउट पे हो सकता है कहीं से भी रिवर्सल आ जाए, तो आई विल नॉट कंसिडर दैट, बट येस अगर आपको लेना है तो आप ट्रैप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। बट ये कल के लिए दो बढ़िया ट्रेड है। सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर मान लो मार्केट साइडवेज यहाँ या फिर इस लेवल के कहीं नीचे ओपन हो और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाए हमारे, इस लेवल के बेस्ट ट्रेड बनेगा कल के लिए हमारा ये वाला, राइट। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बनता हुआ दिख रहा है हमारे पास। सो इफ़ यू सी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में ना थोड़ा सा देखो, बैंक निफ्टी अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन हो, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे, ये लेवल कौन सा है 43,377, कॉल की पोजिशन लोगे रीटेस्ट पे, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट बनाओगे आप आराम से 43,534 का, ये कल के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा। उसके बाद इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड थोड़ा सा नीचे ट्रेड जो है सही नहीं रहेगा। अच्छा ट्रेड कब बनेगा, जब अगेन हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा बनेगा, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिल जाए फिर से तो हमारा ट्रेड बन सकता है, बट बीच में आप ट्रेल करना पड़ेगा। इस केस में, आज वाले केस में तो मैंने आपको बोला था कि पूरा टारगेट देगा मार्केट, दिया, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम 50% टारगेट जो है ट्रेल करेंगे। तो अगर मान लो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो पुट की पोजीशन लेंगे रीटेस्ट पे, राइट, 43,000 का लेवल है ये, सो हम यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे, फाइनल टारगेट 42,786 का। बीच में 50% टारगेट पे कुछ लॉट्स अपने ट्रेल कर लेना, रिस्क मैनेज कर लेना, ठीक है। और जो भी मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबको पता है जो भी मेरे टेलीग्राम पे हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं हमसे, उनको पता है कि टेलीग्राम पे जो भी ट्रेड फेल होने वाला है या फिर कुछ भी है तो मैं आपको अपडेट करके वहाँ पे बता देता हूँ। तो जो भी ये ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके बेस पे अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि कुछ भी अगर रिस्क बनता है किसी ट्रेड में या कुछ भी फेल हो रहा है तो मैं आपको पहले अपडेट करके बता दूंगा, सो दैट यू विल नॉट बी इन लॉसेस, ठीक है। सो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक पिन कर रखा है। उसके बिना तो मेरे एनालिसिस वीडियो का बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है और ना ही आपको ट्रेड लेना है इसके बेस पे। देखो बैंक निफ्टी में सेकेंड ट्रेड जो बन रहा है हमारा ये वाला लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो भी हम ट्रेड, अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन हो और इस लेवल के ऊपर जो अपना ये वाला लेवल है 43,534, इस लेवल के अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलता है आप रीटेस्ट पे यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो, यहाँ तक का टारगेट 43,742 का, ये लेवल आप यहाँ पे टारगेट बना सकते हो, राइट। ब्रेकआउट का मतलब कैंडल क्लोजिंग से है, तो अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए तभी हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे और फिर हम रीटेस्ट पे लेंगे ट्रेड कॉल की पोजीशन का, हमेशा ब्रेकआउट का यही मतलब होता है। तो आप बिल्कुल भी बिना ब्रेकआउट के मतलब रनिंग कैंडल पे ट्रेड मत करना। सो हो सकता है मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट दे दे, बट अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो आप कॉल की पोजीशन यहाँ तक का ले सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिलती है, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड नहीं मिलता है तो छोटा सा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले, बट ये चांसेस थोड़े कम है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ के बाद यहाँ तक मार्केट आएगा, फिर उसके बाद एक पुलबैक वगैरह देखने को मिल सकता है। जो भी है ये लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ, ये आप लोग एक सेकेंड मैं आपको ये लेवल्स देता हूँ, मैं ये लो मैंने जूम आउट कर दिया है, ये लेवल्स आप नोट कर लो यहाँ तक है, राइट। ये सारे लेवल्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ये लो। सो ये लेवल्स का बैंक निफ्टी का ये रहा, निफ्टी का भी मैं आपको दे देता हूँ, निफ्टी का भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये रहा। सो ये लेवल्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और आप आराम से लगा लेना अपने चार्ट पे लेवल्स। इसका मैं अच्छे से बना के जूम करके अच्छे से मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लेवल्स मार्क कर लेना, ये रहा लेवल्स। सो ऑल द बेस्ट गाइड्स। और अच्छा हाँ, जो अपना बिटकॉइन का ट्रेड है वो भी आपको पता है ऑन है, आई मीन दिस बिटकॉइन ट्रेड मैंने आपको लाइव अभी दिया भी था ये वाला ट्रेड कि मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन में हूँ, मैंने पुट शॉर्ट किया हुआ है। सो अभी उसका स्टेटस देख लो क्या चल रहा है, अभी स्टेटस 10% प्रॉफिट चल रहा है मेरा, इस मेरे कैपिटल पे 10% प्रॉफिट जितना मैंने यूज़ किया इस ट्रेड में, सो उतना उसका मेरा 10% जो है इसमें प्रॉफिट चल रहा है अभी। सो होपफुली अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट ये बनेगा और यहाँ पे फिर मैं आपके 80% लॉट्स अपने बुक करूँगा, फिर फाइनल टारगेट फिर मैं यहाँ तक के लिए ट्रेल करूँगा। सो होपफुली मार्केट अच्छा सा ब्रेकआउट ही देगा और आप देख सकते हैं एक फ्लैग भी यहाँ पे बना रहा है, फ्लैग एंड पोल। सो होपफुली लेट्स सी,
आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसका भी स्टेट का स्टेटस है प्लस आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है, वो सारा बता सकते हो कमेंट में। मिलते हैं कल, एंड एक्सपायर्ड है सो मेक श्योर आप जीरो हीरो से दूर रहना, अच्छे से ट्रेड करना प्राइस एक्शन को फॉलो करके। ऑल द बेस्ट, सी यू एवरीवन, बाय बाय।